एक इंच का निशान लगाने के बाद में एक ऊपर की तरफ भी निशान लगा देना है। यहाँ से ये आपका लंबाई नापने के लिए सही हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद में 2.5 इंची का जो सामना जो होता है वो 2.5 इंची का नाप लेना है। ये आपका अब आपको जो है ना समझिए, ये जो मारिक है इस मारिक को आपको कुछ नहीं करना है, इस मारिक को से आपको हर एक मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये समझिए आपका डबल जो डबल ब्रेस का जो कोट होता है, आपको इस मारिक को आपको ध्यान में नहीं रखना, इस मारिक को आपको ध्यान में रखना है। ये मारिक सिर्फ बटन के टाइम में, उसके बाद में आपको ब्रेस के टाइम में यूज होता है। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला बताऊंगा, तो आप शुरू से आखिर तक देखें। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करो तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। तो इसी तरह आपको कटिंग और स्टिचिंग वीडियो देखना है तो पार्ट पार्ट में मेरे चैनल में मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। तो स्मार्ट फैशन स्टिच को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका लंबाई जो है, इसका लेंथ जो है 31 इंची है, तो आपने 1 इंची ज़्यादा देकर 32 के ऊपर निशान लगा देना है और प्लस 2 इंची दबाव हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो छाती कमर का जो निशान होता है इसको सेम आपने उतार लेना है। ये आपका कमर का ये जो सेंटर जो निशान होता है ये सेंटर का निशान लगा देना है और ये छाती कमर का हो गया, ये छाती का हो गया, ये कमर का हो गया। बाजू आपको यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा, साइड पीस जो होता है, तो आप शुरू से देखेंगे फिर आपको एक एक चीज़ करके मालूमात होगा। उसके बाद में ये लंबाई का है, डबल ब्रेस में जो है लंबाई जो है ना घेरा जो सीधा होता है, ये हो गया। अब इसका जो है गले का प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ, गला जो है ना काफ़ी लोगों को परेशानी होता है कि ज़्यादा करके लोग बोलते हैं इसका गला का जो रखना है निपेल आपको इस मारिक से रखना है, इस मारिक से रखना है या सेंटर से रखना है। तो गला जो है हमेशा आपको ये जो मारिक होता है ना इसके हिसाब से रखना है, ठीक है। अगर किसी का गला आपको समझ में नहीं आ रहा है से मैं कितना रखूं, जैसे ये तो डबल ब्रेस हो गया, अगर सिंगल ब्रेस का भी आपको कोट में गला जो ब्रेस का रखने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो जैसा भी कोट आएगा आपको नेपेल का टेंशन नहीं होगा, गला का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बैक का भी फ्रंट का भी दोनों मैं उसमें बता दिया हूँ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, तो इसका बैक में जो 3.5 इंची गला किया हुआ था, ठीक है, 3.5 इंची, तो इसमें 2 इंची प्लस करके 3.5 इंची किया था तो इसमें 1.5 इंची प्लस करके ये मारिक लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले बटन का लगा देते हैं फिर उसके बाद में ये लगाएंगे। यहाँ से 10.25 और ये 4.25 प्लस 4.5 इंची ऊपर। अब इसको जो है इस तरीके से इसका समझिए, ब्रेस जो है इसका मतलब यही होता है खाली ये गले के टाइम में यूज होना है। और ये निशान जो है ऐसे लगाएंगे और यहाँ से
दो इंच लेंगे, इस तरीके से लगाना है आपको। अब इसका नेपल जो है आपको कितना रखना है, 3 इंची रखना है, 3.25 इंची रखना है, तो मैं इसका नेपल जो है ना 3.25 इंची रख रहा हूँ। तो इसको जो है अब इस तरीके से और यहाँ से लगभग 2.5 इंची एक निशान लगाना है। ये हो गया। पौने 4 इंची नीचे लगाया है निशान। ये जो लाइन है यहां से 375 का ये सेंटर रखा हुआ है इस लाइन से, ठीक है। अब ये समझिए आपका नेपल जो है इसका काम खत्म हो गया। ये आपका बटन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका कुश्ती रखना है, ठीक है। इसका कुश्ती जो है यहाँ से यह है 44, लगभग 44 इंची, 43.5 इंची इसका चेस्ट है। तो 43.5 का आपने 44 ही समझिए, 44 में आपको 1-2 इंची कम करके 9 इंची पे रखना है। ये 9 इंची का अब इसका जो यहाँ से नाप लेंगे, ये आपका रहा 7.25 इंची, तो यहाँ से 7.75 इंची और यहाँ से 2 इंची। कोट जो डबल ब्रेस का बहुत ही परेशानी वाला होता है, और नहीं पता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप शुरू से आखिर तक देखें। अब समझिए ये आपका नेपल का और ये ब्रेस जो कुश्ती जो होता है इसका दोनों का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से बटन का भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया। तो अब इसका मैं ये आपका पॉकेट का निशान हो गया। पॉकेट का निशान आपको कुश्ती के लाइन से और यहाँ से 2 इंची एक लाइन। ये पॉकेट का आपको एक बटन के सेंटर से ही आता है। अब इसका सेंटर रखेंगे, ये मार्क जो है इस मार्क से 2.5 इंची नीचे निशान लगाना है और यहाँ से गोल हो जाएगा और ये 7.5 इंची निशान लगा देंगे। अब इसमें जो है लूजिंग जो है अपने 6 इंची देना है, 5 इंची देना है, या 5 इंची देना है, या मैं 6 इंची 5 इंची 6 इंची दूंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 6 इंची प्लस 5 इंची ये लूजिंग का दे दिए। अब आपको बैक का नापना है 9.5, 8.5, 9.5।
9.5 यहाँ पे रखेंगे और ये 44 है प्लस 1.5 इंची। इस जगह से आपको 38.5 है, 19 × 38 19.5 ओके। अब ये 9 इंची है तो यहाँ से 9 इंची रखेंगे और हिप जो है 46 इंची है तो 23 × 46 प्लस 1.5 इंची। अब इसको अपने क्या करना है, इस तरीके से मार्क लगाना है और यहाँ से भी इस तरीके से अभी जो बैक जो है साइड जो है 14 इंची है तो यहाँ से 14 इंच करके यहाँ से ये आपका नीचे जो डाउन होता है हर एक कोट में होता है उस तरह ये भी डाउन कर देंगे। अब इसका जो है यहाँ से ये कुश्ती जो लाइन लगा यहाँ से 1.25 इंची अंदर लेंगे फिर 1.25 इंची का ये आपका साइड जो साइड निकालने का तरीका ये वाला हो गया। यहाँ से ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये कोट है बोल करके, क्योंकि ज़्यादा लोग बोलते हैं यार ये क्या कटिंग कर रहे हैं समझ में नहीं लगता, इसलिए मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ ताकि आपको पूरा मालूम हो सके और पूरा अच्छी तरीके से जान जाए। तो आपको अगर ऐसे स्केल नहीं है तो यहाँ से आराम से राउंड कर ले, देखिए राउंड हो गया। अगर ये भी स्केल है तो आपको यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। अगर ये स्केल यूज करते हैं तो आपको आसानी होता है और यहाँ से भी ये वाला अगर कुश्ती में प्रॉब्लम है तो कुश्ती का भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ बहुत ही आसान तरीके से कोई भी साइज का कुश्ती जो है ना आपका ज़्यादा करके कुश्ती बड़ा ना हो बोल करके, ज़्यादा यानी छोटा भी ना हो बड़ा भी ना हो, तो उसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाया हूँ फार्मूला के साथ में। अब इसका नाम नाप लेते हैं, ज़्यादा करके मैं नाम नहीं नापता हूँ लेकिन मैं नाम नाप रहा हूँ इसका कितना है, यानी 7.5 इंच ये आ रहा है देखिए ये 21.5 इंची आ रहा है ठीक है 21.5 यानी 43 था। तो कभी भी जो आप कटिंग करते हैं तो बाजू जो है ना ये पूरा राउंड जो है ना हाफ होना चाहिए, जैसे 40 छाती है तो 20 आना चाहिए, अगर 50 छाती है तो 25 आना चाहिए। इस तरीके से आपको मुंडा अगर रखेंगे तो कभी भी लूज नहीं होगा कभी भी टाइट नहीं होगा, तो इस चीज़ को भी आपने गौर करके रखना है। से मैं कितना डाउन करूँगा तो ये मेरा राउंड होगा, अगर नहीं आपको पता लगेगा तो आप मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, मैं सब वीडियो में बताता हूँ कि कौन से हिसाब से मुझे ये डाउन करना है और कैसे डाउन करना है ठीक है। तो आपको मैं बता दिया ये डबल ब्रेस का नेपल भी हो गया ठीक है, और ये दो बटन या कि यहाँ पे बटन आ जाएगा पांच इंची है, ये कितना 4.5 इंची ठीक है। तो ये मेरा बटन आ गया ठीक है,
अब मैं इसको कटिंग कर दे रहा हूँ, तो इसका बाजू जो कटिंग कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। तो बाजू जो है ना आप इससे भी कटिंग करते हैं, जो साइड में होता है उसके लिए भी निकालेंगे। तो ये आपका सामना हो गया। और ये आपका साइड पीस हो गया। तो यहाँ पे मैं ज्यादा रखा हुआ था तो इसको हमने छोटा करना है। तो यहाँ से क्योंकि इस ये ज़्यादा रखा हुआ तो यहाँ पे भी आपको निकालना है। ये हो गया, तो ये आपका साइड पीस हो गया, ये फ्रंट पीस हो गया। तो इसका मैं बाजू कटिंग करके बताऊंगा, बाजू भी आपको एक से एक हिसाब में बताता हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका बाजू कटिंग करने का तरीका मैं बताऊँगा। तो आप सब मेरा चैनल से जुड़े रहें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूँगा। आपको कोई परेशानी हो रहा है तो अगर आपको वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो आप सब वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके, दूसरा भी आदमी देख करके सीख सके। तो मैं अब दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप दूसरा भी पार्ट देखिए इसका बाजू का। तो चलिए दोस्तों, ओके बाय।